ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर का वार्षिक पारितोषण समारोह रविवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम हमीरपुर डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान ने शिरकत की। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। स्कूल के छात्रों ने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का आगाज किया। इसके उपरांत स्कूल के छात्रों ने पंजाबी गिद्दा, हिमाचली नाटी, राजस्थानी व देशभक्ति के गानों की धुनों पर खूब धमाल मचाई। गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम हमीरपुर डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से किया गया। इसके बाद गुरुकुल पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट ने पंजाबी गिद्दा, पहाड़ी नाटी, राजस्थानी लोक गीतों के जरिए डीजे की धुनों पर खूब धमाल मचाई। छात्रों ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुति देकर दर्शकों को जुड़ने पर मजबूर कर दिया। हर कोई छात्रों के इन लम्हों को अपने मोबाइल फोन में कैद करता दिखा। यही नहीं, कई अभिभावक तो अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर भाव विभोर हो गए। छात्रों की बेहतर प्रस्तुति का अनुभव दर्शकों की तालियों से लगाया जा सकता था। मुख्य अतिथि चिरंजी लाल चौहान ने मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए। मुख्य अतिथि ने प्रेरक एवं उत्साहवर्धक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए स्टूडेंट को लगन, ईमानदारी एवं कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर अपना मुकाम हासिल करने की नसीहत दी। एनुअल फंक्शन में यहाँ पर जिस तरह परफॉर्मेंसेस हुई है, तो मैं नीचे बैठकर याद कर रहा था कि मुझे लग रहा है जहां जहां मेरी पोस्टिंग हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम चंबा, जो किन्नौर, जहां जहां मैं गया, वो एक एक हर क्षेत्र की झलक यहां पर मुझे देखी। हिमाचल को छोड़िए, आपने तो पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में भिडोने का कार्य किया। जिस तरह की यहां परफॉर्मेंस हुई है, इट स्पीक्स आउट वॉल्यूम की यहां पर टीचर्स बच्चों को किस तरह तैयार करते हैं, कितने कंसर्न्ड हैं यहां पर। अभी पुरी साहब ने यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट पढ़ी। एनुअल रिपोर्ट प्रत्येक स्कूल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में हम उन सारी गतिविधियों के बारे में यहाँ पर आकलन करते हैं कि हमने क्या क्या टारगेट फिक्स किए हैं और हमने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, ताकि जो नेक्स्ट ईयर है उसमें हम इससे बढ़ चढ़कर इसमें टारगेट फिक्स कर सके। स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग आकर्षक कार्यक्रम में देशभक्ति एवं लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल रविंद्र पुरी एवं उप प्रचाया सुरेंद्र ठाकुर ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी और जीवन में हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। अपना 12वां वार्षिक पारितोषिक समारोह गोपाल नगर में मना रहा है। इसमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एसडीएम डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान जी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी और आज बच्चों को उनकी एकेडमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए सम्मानित किया गया। सारे बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की गई, बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित हुए और उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों को बहुत सराहा।